हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जैसा टॉपिक है आप देख सकते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी के बारे में हम भलीभांति जानते हैं, व्हाट इज़ बेसिकली जीडीपी। जब भी हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, कितना हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो हमें कैसे पता लगता है? ओनली बिकॉज ऑफ जीडीपी। बेसिकली जीडीपी होता क्या है? जब भी हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, बेसिकली क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बोले तो इनकम बढ़ रही है, हमारे देश में इनकम बढ़ रही है, इकोनॉमी में तरक्की हो रही है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी जीडीपी बढ़ती है, तो क्या यह वेलफेयर भी साथ में लाती है? बहुत से स्टूडेंट को शायद पता नहीं होगा बेसिकली व्हाट इज वेलफेयर। वेलफेयर जुड़ा होता है बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, जीने के स्तर से। कभी कभी हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सा ऐसे माहौल होता है या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम कभी कभी उनको बताते भी हैं कि उनके पास इनकम तो बहुत होती है, पैसा तो बहुत होता है, मगर उनका जीने का स्तर अच्छा नहीं होता। मीन्स नीट एंड क्लीन कपड़े नहीं पहनते, अच्छा खाते नहीं हैं, अच्छा पीते नहीं हैं, सैनिटेशन पर ध्यान नहीं रखते, नीट एंड क्लीननेस पर ध्यान नहीं रखते, अपनी इंपैक्ट हेल्थ पे ध्यान नहीं रखते। तो अब वो कारण कुछ भी हो तो होता क्या है, वेलफेयर इन चीजों से बढ़ता है कि हमारे आसपास कितनी साफ सफाई है, हम अपने हेल्थ के ऊपर कितने ध्यान दे रहे हैं, हम अपने एजुकेशन के ऊपर कितने ध्यान दे रहे हैं, मीन्स कुल मिलाकर हम अपनी बेसिकली खुशी पे कितने ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी हैप्पीनेस पे कितना ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत से लोग होते हैं लगे रहते हैं कमाने में और अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते, मीन्स अपना स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं पाते। तो बेसिकली वही डिफरेंस आ जाता है। अगर वो तो हमने छोटे स्तर पर बात करा, या हम बात करते हैं बड़े स्तर पर जीडीपी एंड वेलफेयर। कभी कभी ऐसा होता है कि देश में जीडीपी बढ़ जाता है मगर देश के लोगों का भला नहीं हो पाता। हालांकि वो जो एग्जांपल मैंने अभी आपको इंडिविजुअल पॉइंट पे दिया था और यहाँ पे एग्जांपल में थोड़ा सा फर्क है, बट मुझे एग्जांपल समझाना इसलिए जरूरी था कि आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेरा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि देश में जीडीपी बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए और लोगों का भला ना हो पाए, लोगों का वेलफेयर ना हो पाए, लोगों को हैप्पीनेस ना मिल पाए, लोगों का जीने का स्तर बढ़ ना पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज ना हो, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि देखो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का एक ही विकल्प है, दैट इज जीडीपी। जीडीपी ही पड़ाव है जो हमारे नेशनल इनकम तक पहुंचाता है और वही एक पड़ाव है जहां हमें यह पता लगता है कि देश में एक्चुअली में तरक्की हो रही है या नहीं तरक्की या नहीं हो रही। मगर जीडीपी की बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत कमियां हैं। उनमें से कुछ कमियां हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि बेसिकली लिमिटेशंस क्या होती है जीडीपी की। तो जीडीपी ऐसी कौन कौन सी जीडीपी की बुराइयां हैं जो वो वेलफेयर मेजर नहीं कर पाती। देखो आप खुद सोचो, देश में इनकम बढ़ रही है, देश में जीडीपी बढ़ रहा है मगर देश के लोगों का भला नहीं हो पा रहा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? भाई गवर्नमेंट का उद्देश्य इकोनॉमिक वेलफेयर ही तो होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम क्यों करवाते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए तो कराते हैं कि हम इकोनॉमिक वेलफेयर कर पाए, सोशल वेलफेयर कर पाए। अगर लोगों का भला ही नहीं होगा, लोगों का जीने का स्तर ही नहीं सुधरेगा, एजुकेशन का बढ़ावा नहीं होगा, या हेल्थ में सुधार नहीं होगा, तो ये सब चीजें बेकार है, व्यर्थ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आज हम पढ़ेंगे कि जीडीपी हो रही है बट देश में वेलफेयर नहीं हो रही। फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जब जीडीपी बढ़ जाती है बट ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जीडीपी की जो हमें ये गारंटी नहीं देती कि वेलफेयर हमारा बड़ा ही बड़ा है, ये गारंटी नहीं। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने पढ़ा था व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? हमने जीडीपी जब करा था, जीडीपी हम कैसे करते थे? जीडीपी हम करते थे पी इंटू क्यू करके, मीन्स प्राइस को मल्टीप्लाई करा उसके क्वांटिटी से, जितने भी देश में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्राइस से, ऐसी करते हैं। मगर हमें कभी भी ये नहीं पड़ा कि अगर देश में जीडीपी बढ़ जाता है, मान के चलिए 10,000 करोड़ से जीडीपी एकदम से 25,000 करोड़, मगर हमने ये नहीं पढ़ा कि वो जो जीडीपी बढ़ा है, वो जो प्रोडक्शन बढ़ा है, वो बेसिकली किस वर्ग के द्वारा बढ़ाया गया, किस सोसाइटी के द्वारा बढ़ाया गया। ऐसा भी तो हो सकता है
कि देखो हम जानते हैं कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, असमानता बहुत है, इनइक्वालिटी बहुत है, हैव एंड हैव नॉट में, रिच एंड पुअर में। तो वो इनइक्वालिटी गवर्नमेंट का एकमात्र उद्देश्य यह रहता है कुछ भी ऐसे योजना कराई जाए, जीडीपी बढ़ाई जाए, नेशनल इनकम बढ़ाई जाए, मेडिकल सर्विसेज बढ़ाई जाए, एजुकेशन का विस्तार हो, सब कुछ हो। किस वजह से? कि जिससे ये राशन शॉप खुली हुई है, जिससे गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर कम। अगर अंतर भी कम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सब चीज बेकार। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है और वो जीडीपी इनइक्वालिटी घटाने तो छोड़ो और बढ़ा दे रही है, मीन्स अमीरों को और अमीर कर दे रही है, गरीबों को वही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द गैप, जो गैप घटना चाहिए था, मिनिमम होना चाहिए था, रिड्यूस होना चाहिए था, वो गैप बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कुछ इस तरीके से हो रहा है कि इनइक्वालिटी घटाने की जगह बढ़ा रहा है, या बढ़ा भी नहीं रहा तो उतना कर रहा है, तो क्या वो जीडीपी बढ़ा हुआ कुछ फायदेमंद है? कुछ फायदेमंद। जीडीपी, द इंक्रीज इन जीडीपी, वो तभी वर्थ रखता है जब इनइक्वालिटी हमारी कम हो। मीन्स अगर जीडीपी बढ़ रहा है, आप सोचेंगे जीडीपी बढ़ रहा है तो क्वांटिटी तो बढ़ रही है, मगर हमें यह देखना है। आपको याद होगा हमने जब सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी उसमें लास्ट वाला पॉइंट था फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यह डिसाइड करना कि किस तरीके से प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। उसमें एक पॉइंट था हमारा कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसको गुड्स एंड सर्विस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें इनइक्वालिटी कम हो जाए। अगर वो पॉइंट यहां पर फुलफिल नहीं हो पाएगा, अरे इनइक्वालिटी कम नहीं हो पाएगी, जीडीपी बढ़ रही है और अमीरों को और अमीर बना रही है, प्रोडक्शन सिर्फ उनके घर में ही हो रहा है, इनकम सिर्फ उनके घर में ही बढ़ रही है, तो वो चीज बेकार है। मीन्स ऐसी बढ़ी हुई जीडीपी तो ना ही बढ़ती तो ज्यादा बेहतर है। इट मीन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ये नहीं देख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी की डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रही है, कि हम जब जीडीपी काउंट कर रहे हैं इस चीज का हमें आकलन नहीं दिया जाता, तो सबसे पहले लिमिटेशन इसकी ये है। तो जब भी ऐसे होगा इनइक्वालिटी बढ़ाएगा, ये उल्टा वेलफेयर बढ़ाने की जगह घटा देगा। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। हमें जब भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, आपने न्यूमेरिकल इतने सॉल्व करे हैं, कभी आपने कैलकुलेट कराया कि जीडीपी जो बढ़ी है वो बेसिकली किसकी वजह से बढ़ी है, कौन सा प्रोडक्शन हुआ है? हम कहते हैं अगर मान के चलिए वीट का प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ता है तो देश का भला होगा, बिल्कुल भला होगा। राइस का प्रोडक्शन बढ़ता है तो देश का भला होगा, बिल्कुल भला होगा। अगर मैं मानकर चलो कि लिक्वर का, शराब का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या देश का भला होगा? बिल्कुल नहीं होगा भला, इससे तो हेल्थ और डाउन होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जीडीपी ये नहीं देखता कि उसका कंपोजिशन क्या है, कि वो किस चीज से बढ़ रही है। जीडीपी का तो एकमात्र सूत्र है कि प्रोडक्शन बढ़ना, चाहे वो टोबैको से बढ़ने से हो, चाहे वो लिक्विड के बढ़ने से हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से ऐसे बढ़ने से हो जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। इट मींस बढ़ा हुआ जीडीपी वेलफेयर को माइनस में भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर सिगरेट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, अगर विस्की का, वाइन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जीडीपी तो हमारा बढ़ेगा बट वेलफेयर हमारा डाउन हो जाएगा। वेलफेयर डाउन क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोगों की हेल्थ खराब होगी और हेल्थ इज टोटली व्हाट? वेलफेयर। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी टोटली इग्नोर हो जाता है हमारा जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं टू नो हमारे देश में तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। थर्ड पॉइंट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं जो भी गुड मार्केट में आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, या हमें कभी कभी पता लग जाता है कि फार्मर ने अपने लिए ही प्रोड्यूस कर लिया, हमें पता लग जाता है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, उसका छोटा सा फार्म है, घर के बराबर में छोटा सा फार्म है या छोटा सा पार्क है, उसने वहां पे वेजिटेबल ग्रो कर रखे और वो वेजिटेबल ग्रो करके उसको कंज्यूम करता है, तो प्रोडक्शन हो रही है, क्या वो प्रोडक्शन काउंट हो रही है? नहीं काउंट हो रही है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, हाउसवाइफ घर पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे खाना बनाने में लगे रहती हैं, साफ सफाई में लगे रहती हैं, कपड़े धोने में लगे रहती हैं, बर्तन साफ करने में लगे रहती हैं, क्या उनकी सर्विसेज काउंट होती है? क्या उनकी सर्विसेज, मैंने आपको बोला था कोई भी सर्विस, कितनी बार भी सर्विस कर रहे हो, सर्विस कभी पुरानी नहीं होती, सर्विस हमेशा ऐड होती है, तो उनकी सर्विस ऐड क्यों नहीं होती? एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनकी सर्विस काउंट नहीं होती। तो बहुत सी खामियां हैं जीडीपी में, अब वो सर्विसेज काउंट होनी चाहिए क्योंकि
वो सर्विसेज काउंट होंगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो एक्चुअली में जीडीपी की फिगर पता लगेगी कि एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए। बट जीडीपी हम जब भी काउंट करते हैं तो वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मतलब ऐसे एक्सचेंजेस जो पैसों के बदले में नहीं दिए जाते, मीन्स जिनका आदान प्रदान नहीं होता पैसों से, मीन्स जिनका एक्सचेंज नहीं होता, जिनका मूल्य पैसों में नहीं होता। अब जैसे अभी हमने बताया कि हाउसवाइफ को पेड नहीं किया जाता पैसों, तो उनको अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो ये चीज काउंट नहीं हो रही है, मगर मेहनत तो हो रही है, काउंट तो होनी चाहिए। ऐसी अगर डॉक्टर अपने घर में इलाज कर रहा है तो उसके पैसे काउंट नहीं हो रहे, अगर टीचर अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो उसका पैसा काउंट नहीं हो रहा। और एग्जाम्पल देता हूं, हमारे देश में अब भी बार्टर सिस्टम चलता है, आपको पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम मीन्स जहां सामान के बदले में सामान का आदान प्रदान होता है, बहुत पहले चलता था मगर हमारे देश में अब भी गांव में छोटे कस्बों में अब भी चलता है। दो किसान आते हैं आपस में, एक दूसरे की फसल का आदान प्रदान कर लेते हैं, एक एक दूसरे को गेहूं दे देता है, दूसरा उसको चावल दे देता है, ऐसे आदान प्रदान अभी चल रहे हैं। तो जब आदान प्रदान चल रहे हैं तो क्या प्रोडक्शन नहीं हुआ? प्रोडक्शन तो हुआ है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, ये पढ़ा है कि जब भी प्रोडक्शन होगा, जब भी मेहनत की जाएगी वो काउंट होगी, मगर ऐसा बार्टर सिस्टम ये काउंट नहीं हो पाता। कारण क्या है? हाउसवाइफ की सर्विस काउंट नहीं हो पाती। कारण क्या है? टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है वो काउंट नहीं हो रहा, उसकी सर्विस काउंट नहीं हो रही। कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता। तो हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता तो हम ये गारंटी में नहीं कह सकते कि जितनी भी जीडीपी की वैल्यू आई है ये असली में असल वैल्यू आई है, असल वैल्यू नहीं आई है। हो सकता है हमने कोई चीज अंडर एस्टिमेट कर दी हो और कोई चीज ओवर एस्टिमेट कर दी। तो ये आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, मींस जहां मनी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही सामान आदान प्रदान हो रहा है, या हम कह सकते हैं हम किसी को पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, अपने घर पे पढ़ा रहे हैं, या डॉक्टर अपने घर पे इलाज कर रहा है, या हाउसवाइफ पूरे घर के लिए सेवा करती है, तो वो सर्विसेज काउंट नहीं हो रही बिकॉज वहां पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। तो जहां पैसों का आदान प्रदान नहीं होता वहां जीडीपी कैसे खड़ा होता है? एक लिमिटेशन के रूप में खड़ा होता है, एक ड्रॉबैक के रूप में खड़ा होता है। फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नलिटी एक ऐसा कारण होता है जहां पर एक थर्ड पार्टी, मैं भी हो सकता हूं, जैसे मैं आपको बताया था, मुझे मान के चलिए कहीं किसी कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे किसी चीज का कंजप्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि अगर मान के चलिए मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूं या मैं बस में सफर कर रहा हूं, मेरे साथ के पैसेंजर वो स्मोक कर रहा है, स्मोक करने से मेरे हेल्थ को नुकसान हो रहा है, उसके हेल्थ को तो हो रहा है बट वो कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए एक्सटर्नलिटी नहीं है, वो मेरे लिए एक्सटर्नलिटी है, क्योंकि क्योंकि मेरा ना तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना है ना मेरा कंजप्शन से कोई लेना देना है। तो एक्सटर्नलिटी कहते हैं ऐसे भारी प्रभाव को जो किसी व्यक्ति का वेलफेयर या तो बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, मगर उसको जीडीपी में हम काउंट नहीं करते, बिल्कुल भी काउंट नहीं करते। अब मैंने आपको बताता हूं कि ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया एक्सटर्नलिटी जो नेगेटिव पॉइंट में, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे पड़ोसी ने कोई बगीचा लगा रखा है, बड़ी मेहनत करी है, जो वो बगीचा लगा रखा है सुबह सुबह उठ के मुझे भी एक बहुत फ्रेश हवा आती है, मुझे भी देखकर बड़ा सुकून मिलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, मेरा वेलफेयर बढ़ रहा है, वो वेलफेयर भी जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो या तो जीडीपी अंडर एस्टिमेट कर देता है चीजें या जीडीपी ओवर एस्टिमेट कर देता है। तो हम देख सकते हैं कि ये चार पॉइंट्स हैं जहां पर जीडीपी एक अच्छा मेथड नहीं है, अच्छा माप नहीं है, अगर हमें इस बात की श्योरिटी हो कि 100% वेलफेयर बढ़ना ही बढ़ना है। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको, वीडियो के शुरुआत में भी बताया था, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो वेलफेयर बढ़ाना, लोगों का भला मेन उद्देश्य है। अगर लोगों का भला, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग क्यों कमा रहे हैं या हमारे घर वालों ने क्यों कमाया? वो इसलिए तो कमाया कि उनके बच्चे का भला हो सके, उनको अच्छी एजुकेशन हासिल हो सके, उनकी हेल्थ अच्छी हो सके, उनके घर वालों का रख रखाव अच्छा हो सकता है। मीन्स हमारा कहीं ना कहीं वेलबींग के लिए, हमारा कहीं ना कहीं हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए, हमारा कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। अगर वही चीज काम नहीं आया कुछ भी कारण हो जाए, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ इकोनॉमी लेवल पे अगर जीडीपी बढ़ भी रहा है और वो काम नहीं आ रहा, क्यों काम नहीं आ सकता, ये हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, वीडियो जाहिर सी बात है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सबके डाउट्स क्लियर होंगे। सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर लिया होगा, कोई भी डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स पे लिखिए, नोट्स सबको मिल जाएंगे, बहुत ईजी नोट्स हैं, और आई होप
सबने एंजॉय किया होगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।